हेलो एवरीवन, दिस इज संगीता आदले, गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम इंसेक्ट में। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? एक कंडक्टिंग सिस्टम है जो कि फंक्शनिंग और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। मतलब सिर्फ इंसेक्ट में ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें, ठीक है। न्यूरॉन जो है इसका बेसिक यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। और न्यूरॉन किससे बना होता है? सेल बॉडी या फिर सोमा जिसको और बोलते हैं, एक्सॉन और डेंड्राइट से, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग टाइप्स देखेंगे। तो स्ट्रक्चरल टाइप्स इन लोगों का तीन है, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर। तो यूनिपोलर में जो पहला डायग्राम देख रहे हैं आप, सिर्फ एक सिंगल स्टॉक होगा, उसमें सेल बॉडी कनेक्ट रहेगा एक्सॉन से इस साइड। और बाईपोलर में क्या होगा? सेल बॉडी जो सेल बॉडी रहेगा वो एक्सॉन के बीच में रहेगा और वो सिंगल ब्रांच रहेगा, ठीक है, या फिर अनब्रांच्ड भी हो सकता है कभी कभी। एग्जांपल, पेरिफेरल सेंस सेल जितने भी हैं वहाँ पे बाईपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है मल्टीपोलर, जो कॉमन न्यूरॉन है, जो स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ते हैं यहाँ नीचे जो डायग्राम दिया गया है उसी को बोलते हैं मल्टीपोलर। वो कहाँ पे होता है? ये हाइपोसेरिब्रल और फ्रंटल गैंग्लियन में होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है फंक्शनल टाइप। तो पहला है सेंसरी या फिर आफरेंट न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, ये परसेप्शन का काम करता है, परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू मोटर या फिर इफरेंट न्यूरॉन, ये इम्पल्स कंडक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन, जितने भी जहाँ पे इफेक्ट करना है वहाँ पे। नेक्स्ट है इंटर न्यूरॉन या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन, ये एसोसिएशन बनाता है आफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन के बीच में। फिर हम लोग देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये एंटेरो डॉर्सल ब्रेन और वेंट्रल नर्व कॉर्ड का बना होता है, ठीक है। और जो ब्रेन है वो सब ऑसोफेजियल गैंग्लिया से कनेक्टेड रहता है नर्व कॉर्ड के। किसके थ्रू कनेक्टेड रहता है? सरकोमो ऑसोफेजियल कनेक्टिव के थ्रू, ठीक है। और हेड पार्ट में क्या होता है? दो गैंग्लिया होते हैं, ब्रेन और सब ऑसोफेजियल गैंग्लिया। और थोरिक्स में तीन गैंग्लिया होते हैं, प्रो, मेजो और मेटाथोरिक्स गैंग्लिया। प्रोथोरिक्स गैंग्लिया, मेजोथोरिक्स गैंग्लिया और मेटाथोरिक्स गैंग्लिया। प्रिमेटिव इंसेक्ट में क्या होते हैं? 1 से 8 सेगमेंट जो होता है वहाँ पे गैंग्लियन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये देखा गया है कि जो 8th पार्ट है, लास्ट पार्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन का, वहाँ क्या होता है? गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। या फिर 8 से 11 के बीच जो सेगमेंट है वहाँ पे गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंटल गैंग्लियन जो है वो सप्लाई करता है नर्व्स टू अपेंडिजेस, जो अपेंडिजेस होते हैं उनके वहाँ पे गैंग्लियन वो सप्लाई करता है, और मसल्स में भी और सेंस ऑर्गन में भी और हार्ट में भी। हायर इंसेक्ट में क्या होता है? जो फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया होता है वो फ्यूज़ होता है मेटाथोरेसिक गैंग्लियन से, इसीलिए जो गैंग्लियन का नंबर है वो वेरी करता है एब्डोमिनल पार्ट में। ये देखिए, यह है स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम। फ्रंटल गैंग्लिया जो हेड पार्ट में है, ब्रेन, फिर उसके बाद ब्रेन है, फिर ये सरक्यूमा ऑसोफेरिंजियल कनेक्टिव के थ्रू ये कनेक्ट है, देखिए। फिर हाइपोसेरिब्रल गैंग्लिया है, सब ऑसोफेरिंजियल गैंग्लिया, थोरेसिक गैंग्लिया जो तीन होते हैं, फिर एब्डोमिन गैंग्लिया पूरा 8 तक, और फिर उसके बाद अगर 9, 10, 11 है तो वहाँ तक मीडियन, फिर उसके बाद मीडियन नर्व्स। फिर उसके बाद ये है इंसेक्ट ब्रेन, बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, ये आउटर कियाज़्मा है, इनर कियाज़्मा है, मेडुला एक्सटर्ना, मेडुला इंटरना, लैमिना गैंग्लियन, ऑसिलर नर्व, एसेसरी लोब, एंटीनल लोब जहाँ से एंटीना निकलता है, ट्राइगोसेरिब्रल, ट्राइगोसेरिब्रम, ये प्रोटो ओएसोफेजियल कमिसर, फिर सेंट्रल बॉडी। ये आप लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे ये स्ट्रक्चर बना के। फिर देखते हैं ब्रेन, तो तीन भाग में डिवाइडेड रहता है, आप सबको पता है, फोर ब्रेन जिसको पोटोसेरिब्रम बोलते हैं, मिड ब्रेन जिसको ड्यूट्रोसेरिब्रम बोलते हैं, और हाइंड ब्रेन जिसको ट्राइटोसेरिब्रम बोलते हैं। तो जो प्रोटोसेरिब्रम होता है वो सबसे लार्ज रीजन होता है ब्रेन का, और ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूज्ड पेयर्ड प्री एंटीनल गैंग्लिया, ठीक है। और ये दोनों साइड में होता है ब्रेन के,
और इसमें होते हैं ऑप्टिक लोब्स, जो कि क्या रिसीव करता है, ऑप्टिक नर्व रिसीव करता है, ठीक है। और यहाँ से कॉर्पोरा कार्डिएटा कार्डिएका और एओर्टा जो है वो निकलते हैं, इनरवेट होते हैं। नेक्स्ट है ड्यूट्रो सेरिब्रम, ये मिडिल पार्ट होता है और ये एंटीनल गैंग्लियन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, पेयर ऑफ लेटरल एंटीना नर्व प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ट्राइटो सेरिब्रम, ये हाइंड या फिर वेंट्रल पार्ट होता है ब्रेन का, और ये लेब्रोफ्रंटल नर्व प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी, एनाटॉमी में क्या क्या होता है। ब्रेन शीथ होता है जिसके दो टाइप होते हैं, दो लेयर होते हैं इसके, नॉन सेलुलर और सेलुलर रीजन। सेलुलर जो है वो इनर प्रीनेरियम का बना होता है, और जो आउटर होता है वो नॉन सेलुलर होता है। उसके बाद है कॉर्टेक्स, जो कि पेरिफेरल रीजन में होता है, और इसमें क्या होते हैं, न्यूरॉन और ग्लियल सेल होते हैं। नेक्स्ट है मेडुला पार्ट, जो न्यूरो न्यूरोपाइल से बना होता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए टाइप्स हैं, प्रोटो सेरिब्रल न्यूरोपाइल, ड्यूट्रो सेरिब्रल न्यूरोपाइल और ट्रोको सेरिब्रल न्यूरल पार्ट न्यूरोपाइल। और यह उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, न्यूरल लेमिला, पेरिनेरियम, न्यूरॉन, ग्लियल फोल्ड, ग्लियल सेल, एग्जॉन और नर्व रूट, ठीक है। न्यूरोपाइल जो है वो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स करने में काम करता है। फिर कॉर्पोरा पेडंक्यूलाटा जो है वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर प्रोवाइड करता है। सेंट्रल बॉडी क्या करता है, सेंट्रल बॉडी और प्रोटो सेरिब्रल ब्रिज क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन का जो मशरूम बॉडी है वो क्या करता है, लर्निंग बिहेवियर प्रोवाइड करता है, हैबिचुएशन, कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर और एसोसिएशन लर्निंग और सोशल लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद है विसरल नर्वस सिस्टम, ये तीन पार्ट का बना होता है, स्टोमोडियल या फिर स्टोमोगैस्ट्रिक विसरल नर्वस सिस्टम, वेंट्रल विसरल नर्वस सिस्टम और कॉडल विसरल नर्वस सिस्टम। ये तो हम लोग पहले स्टोमोडियल स्टोमोगैस्ट्रिक विसरल नर्वस सिस्टम देखेंगे। ये किससे बना होता है, स्मॉल गेंग्लिया का बना होता है और उसके एसोसिएटेड नर्वों से बना होता है, ठीक है। और ये किससे एसोसिएटेड रहता है, ब्रेन, सलाइवरी ग्लैंड और फोरगट से। और इसमें होते हैं फ्रंटल और हाइपोसेरिब्रल न्यूरल गेंग्लिया, ठीक है। नेक्स्ट है वेंट्रल विसरल नर्वस सिस्टम, ये किससे एसोसिएटेड रहता है, गेंग्लिया ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये क्या करते हैं, इससे इनर्वेट होते हैं मसल्स, जो कि कंट्रोल करते हैं क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्पैरिकल्स, ठीक है। स्पैरिकल्स के बंद होने और खुलने को ये कंट्रोल करते हैं, वेंट्रल विसरल नर्वस सिस्टम। फिर नेक्स्ट है कॉर्डल विसरल नर्वस सिस्टम, ये क्या करते हैं, पोस्टीरियर सेगमेंट से एसोसिएटेड होते हैं, और इनके जो नर्व होते हैं वो कॉर्डल रीजन से, कॉर्डल गैंग्लियन से अराइज होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये इनर्वेट होते हैं मिड हाइंड गट होते हैं उस रीजन से, ये इनर्वेट होते हैं और ये इंटरनल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, तो जितने भी नर्व्स होते हैं वो कहाँ से इमिनेट होते हैं, गैंग्लियन ऑफ सेंट्रल एंड विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टोमेडल नर्वस सिस्टम का और वेंट्रल विसरल नर्वस सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। स्टोमोडियल नर्वस सिस्टम में है फ्रंटल गैंग्लियन, ब्रेन है, हाइपोसेरिब्रल है। फिर उसके बाद वेंट्रल विसरल नर्वस सिस्टम में है ब्रेन पे जितने भी गैंग्लियन है वो, फिर ट्रांसवर्स नर्वस सिस्टम और मीडियन नर्व्स।